हेलो गाइस, तो आज का व्लॉग स्टार्ट करेंगे जो कल जहाँ पे मैंने ख़त्म किया था वहीं से। और वो सारी चीज़ें देखिए कि अमित जी लेने आए नहीं लेने आए, क्या क्या इन्होंने किया, और फिर करेंगे हम दिन की स्टार्टिंग। गाइस मैं आ गया था कहीं काम से बाहर, मेरी कोई मीटिंग थी, बट उसको लग रहा है कि मैं लेने के लिए नहीं आया हूँ। तो देखते हैं अभी क्या रिएक्शन होने वाला है। रात को अभी लगभग 10 बज गए और मेरे को पहुँचने में लगभग 1-2 के आसपास हो जाएगा आज। तो उसके बाद देखते हैं क्या रिएक्शन रहने वाला है। फिर गाइस मैं अभी निकला हूँ और रात के बज चुके हैं 1, और अभी तक मेरे पास कॉल तो नहीं आया है। वो सोच रहे हैं कि मैं लेने नहीं आया, तो अभी जाऊँगा पहले घर पे, देखता हूँ क्या करते हैं, वहां से लेके फिर मैं जाऊंगा अपने घर पे। देखते हैं आज क्या रिएक्शन रहने वाले हैं, और इतनी रात को देखूंगा अगर कुछ मार्केट खुली मिल गई तो, अगर एक आधी चॉकलेट लेनी पड़ेगी मनाने के लिए तो वो भी लेते हैं जाऊंगा फिर। गाइस मैं आ गया हूँ, अभी दिखाता हूँ आपको क्या कर रहे हैं। यहाँ कहाँ सो रहे बार है, चला नहीं गया, फुल नींद में रखे हैं, खड़े हो चलो। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और सुबह का टाइम हो गया है, वो मेरे को लेने आए रात को। टाइम पता नहीं कितने बजे का था, मैं सो रही थी तो फिर आ गए, तो मैंने सोचा चलो शूट तो कर ही लेती हूँ। तो अभी हो गई है सुबह, बढ़िया धूप निकली हुई है। और लड़के देख लो कितने ढीठ होते हैं ना, मतलब शाम को नहीं लेने आए, रात को आए हैं लेने के लिए। मन तो नहीं कर रहा था आने का, तो मैंने सोचा ठीक है कोई नहीं आ ही जाती हूँ, पर फिर मैं आ गई। तो अभी बनाएंगे ब्रेकफास्ट, आज बनाऊंगी नहीं, आज इनसे बनवाऊंगी, कुछ तो सजा मिलनी चाहिए ना। उठ जाओ, 10 बज गए सुबह के, आपके लेट आने की सजा यो है, ब्रेकफास्ट बनाओगे आप, और मन लाग रही भूख। हेलो क्या? हाँ, करने से काम नहीं चलेगा, उठना पड़ेगा, जल्दी खड़े हो जाओ। तो गाइज मैंने बोला कि मेरे को ना घर पे ब्रेकफास्ट नहीं करना, मुझे ब्रेकफास्ट बाहर करना है। तो देखते हैं अब ये लेके जाएंगे नहीं लेके जाएंगे। अभी जस्ट उनको उठा के आई हूँ, भूख तो लग रही है क्योंकि मैंने कल रात को ना सिर्फ पुलाव खाई थी, थोड़े से रोटी नहीं खाई क्योंकि भूख नहीं थी। तो मैंने सोचा पता नहीं कितनी देर में चलेंगे, तो तब तक मैं फ्रूट खा लेती हूँ, तो तब तक एक एप्पल और ये खाऊंगी। अब आके सिस्टम पे बैठ गए, भूख लग रही है, भूख लग रही है। बस चल रहे हैं अभी, कितना टाइम लगेगा, 5 मिनट, जल्दी करो। वैसे एक चीज़ और बता दूं आप लोगों को कि मैं तो नहाई नहीं हूँ, आके नहाऊंगी। खाली अमित जी नहाए हैं, क्यों नहीं नहाए हूँ, क्योंकि अभी नहाती मेरे को टाइम लगता। वो तो क्या करते हैं ना, बाथरूम में घुसते 2 मिनट में सीधा बाहर, तो उनको टाइम नहीं लगता। और इसीलिए मैंने कहा मुझे टाइम लगेगा थोड़ा, आज बिना नहाए चलते खा के फिर आते हैं। गुड मॉर्निंग गाइस, और ये देखो कैसे आगे आगे हो लिए हैं। कहाँ जा रहे हो आप? मैं लेके नहीं जा रहा, फिर भी जबरदस्ती खींच के लेके जा रहे हैं ना। खाना खाने क्यों? मैंने कब कहा आपको मैं लेके जा रहा हूँ, और लेके जाने वाला आगे होता है, आप आगे आगे हो रखे हो। आदमी लोग बोलते कब है, खुद क्या कह रहे हो, आदमी बोलते कब है कि चल तुझे मैं डेट पे। जब तक गर्लफ्रेंड होती है ना, तब तक तो हर चीज आगे से आगे होती है। जैसे ही वाइफ बनते तब इनके ड्रामे शुरू हो जाते हैं ना, कहीं लेके जाना घर में ही रो। अच्छा हाँ, भटूरे खाने इनको, भटूरे भटूरे हाँ। से ही चकल हो जाएगी फूल के। फिर मम्मी भाभी और भाई भी आया है, पापा नहीं आए, पापा चले गए आज गाँव। कैसे भूख लगी है? खाए छोले भटूरे खाने आते हैं, तो वहाँ पे एक ओयो है, खाई लिया हूँ, वहाँ टॉयलेट करने आ रहे हैं साथ में। थैंक यू। शर्म भी आ रही थी कि इनको बोले कि यार हमें टॉयलेट जा रहा है, पर वो लड़का इतना स्वीट था, नहीं दिया आराम से, वो लड़का इतना ज्यादा स्वीट था, उसने बोला जाओ जाओ।
छोले भटूरे खाने आए, वो दोनों उधर लगे हैं। शाम को मैं तुझे जो पता ना किस टाइम आए थे, किस टाइम आए थे आप? 3 बजे हम तो सो लिए थे, आप मान गए? पार्टी उसी चक्कर में तो दे जा, पार्टी जी पे तो पूछू, आप मान गए? जल्दी मान गए, पार्टी इतनी दूर यहाँ लेकर आए। एक बार पार्टी देखा है, फिर 4 बजे आ जाएंगे, फिर आ जाओगे? पार्टी लेकर वापिस मारे गिला चलोगे ना? ठीक है फिर तो। अरे मम्मी नहीं ना, मिर्ची ला गई मम्मी की सब्जी की हूँ। और ये देखो दूसरे कप स्पेशल अपने लिए बनवा के लेके आए हैं, इतनी अच्छी लग रही है। मैंने कितनी ली थी मम्मी? मैंने थोड़ी सी ली थी। आपने कैसा टेस्ट आया? बढ़िया, मजा आया। अगली बार पापा के साथ आऊंगी, आज पापा ना थे। पहले छोले भटूरे खा का एक दिन नींद आने लग रही है, री अमरूद लिए हैं कटवा के लेके आया भाई, अभी खाएं तो ले आवा गाइस। मित्तू इतने छोटे केले लिए हैं, इतने छोटे भगवान की सुन बाय। तो गाइस मैं आगे घर पे और अमित जी को कोई काम था तो वो चले गए फैक्ट्री, और मुझे ना नींद आ रही है इतनी तेज, तो मैं सोच रही हूँ थोड़ी देर में दोबारा से सो जाती हूँ। पता नहीं मुझे दिन में वैसे नींद आती नहीं है, पता नहीं आज क्यों आ रही है। गाइस दिन के बज गए हैं 2-2.5 बज गए ना, अब मैं जा रही हूँ नहाने के लिए। सुबह से ऐसे ही थी ना, ही नहीं थी ये, मैं नहा के आ गई हूँ। और विंटर में ना सच बताऊँ मतलब ऐसे कोट सेट पहनने के अलावा ना कुछ मन नहीं करता पहनने का, क्योंकि कंफर्टेबल भी रहते हैं और गर्म भी रहते हैं। तो अभी शायद जाएंगे मम्मी के पास, तो वहाँ पे करेंगे मस्ती। आगे स्वामित को लेने के लिए मम्मी और मैं, वो कपड़े वपड़े धुल रही थी अभी, वैसे अलार्म ने कोर मंगवाया, मैंने भी कपड़े धुले हैं अभी, बस सुखा के आई। ये देखो भाई हमारी घर की खेती, पालक की बड़ी वाली, बड़े बड़े वाले काट लिए मम्मी, बड़े वाले काट लिए। और मम्मी की स्कीम हुई चेंज, बोली शाम को थोड़ी कड्डी में भी डाल लूंगी और सुबह रायता भी बन जाएगा, क्योंकि काफी सारी है। दोनों मम्मी बेटा लाग गए, पूरी ग्रीन सोनू नाते पूरी ग्रीनरी कर दी मम्मी, आते है मेरे पार्क में देख लो। हाँ पूरी ग्रीनरी कर दी सोनू नाते। ये सोनू भाई ने अपने दिन कट करया है, और आज पापा आ गए। मम्मी मन लग रहा है इब्बा वीडियो कॉल काटी है पापा के, ये हम 3-4 बार कर लिए जाए बात से हो जा, पास में हो जब इतना फील ना हो, चले जाओ ना फिर नू लगे अच्छा होना चाहिए तब लगे दादा पे। मम्मी ना जो मम्मी के टाइम की बातें थी, जो नंदे और देवरानी जेठानी खट्टी रहती थी ना, तो उस टाइम कैसे क्या होता था, फोन भी नहीं होते थे तो कैसे टाइम पास करते थे, कोई टीवी नहीं, दूरदर्शन भी नहीं था तो कैसे क्या टाइम पास करते थे रात। तो मम्मी ना उस टाइम की बातें बता रही है और इतना ज्यादा मजा आ रहा है सुनने में कती है, और यो भी स्वाद ले रहा गेला गेला। मम्मी का खाना आ गया है, कढ़ी बनी है जोरदार कती, एक नंबर की कसूती कढ़ी बनी है भाई, है ना मस्त मजा आ रहा है। मैं भी मैंने भी भूख लाग रही है तो मैं भी यही खाऊंगी, अमित जी की वहां पे जाके बना दूंगी। तो अब वो लेने आएंगे थोड़ी बहुत देर में, तो फिर जाएंगे वहां। अभी ये ना लेने आए हैं, आपने चॉकलेट तो लेके नहीं आए मेरे लिए, ऐसे कैसे लेने आगे खाली खाली, ऐसे ना मानू मैं हैं। सुबह तो कह रहे थे फिर ऐसे ही तुम वहां भर दोगी खाने के लिए और फिर मान जाओगी, फिर ऐसे ही रात को लेने आऊंगा। रात को कोई लेने का टाइम है? पापा कितना गुस्सा कर रहे थे, मम्मी पापा कितना गुस्सा कर रहे थे सुबह उठ का बताइयो, क्योंकि मम्मी पापा अंदर सोने लग रहे थे, मैं यहाँ बहुत तेज नींद में थी। सोनू भाई बेचारा अंदर रूम तो उठ का आया था, रूम नीचे तक गेट वेट खोला ऊपर आया, ये कोई टाइम नहीं है लेने आने का, बाय चांस हम गेट ना खोलते फिर क्या करते। फिर मैं सीढ़ियों से चढ़ गया जाता सीधा मंदिर के, सुपरमैन हो तुम सीधा चढ़ जाओगे। आज भी मैं यहीं सोऊंगी, आज भी मैं यहीं सोऊंगी। चलो
जल्दी करो, नींद नहीं आई तुम्हें अभी तक? फिर सो जाना सीधा अभी तक तो आ जाएगी नींद। अच्छा तो रहन दो फिर। ये कर रहे हो, चप्पल क्या थी बदलना आ रहे हो? ये मैं बदला बदला कर रखा था हमने चप्पल। चलने की तैयारी? चलने की तैयारी, मैं यहां हूं ना, शाल मोड़ वापसी कर दे। और यहाँ चलने की तैयारी है और ठंड हो रखी है, मम्मी शॉल उड़ा रही है। मैं लेने आया हूँ ये चॉकलेट और देखता हूँ कौन सी वाली, ये वाली चलेगी। चलो ये दो चॉकलेट ले लिए मैंने। यहाँ पे ना इन्होंने दो चॉकलेट ला के रखी हुई, बट वहाँ मेरे को दी नहीं। आप मेरे लिए चॉकलेट लेके आए मुझे बनाने के लिए, वहाँ क्यों नहीं लेके आए? यही भूल गए? यही भूल गए? नहीं, गाड़ी में भूल गया था मैं। अच्छा तो मैंने ये मैं खाऊंगी छोटे वाली, वो मैंने निधि के लिए रख दिया। तो गाइस इसी के साथ इस व्लॉग को करते हैं एंड। और कल मैंने उस समय बोल दिया था मैं नहीं करूंगी शूट, क्योंकि ये मुझे लेने नहीं आए थे और मुझे लगा कि लेने नहीं आए, मुझे भी नहीं बताया। मैं वो क्लिप इसमें मतलब आप लोगों ने देख ली होगी, स्टार्टिंग में ही मैंने ऐड कर दी थी कि मेरे को कोई काम आ गया, ये वहाँ चले गए, मुझे लगा ये सच में नहीं आए ये वो। फिर रात को आ गए, फिर सुबह हम लोग छोले भटूरे खाने गए, पापा गए हुए थे वहाँ, घर पर जाके भी ऐसे खालीपन सा लग रहा था, पापा के बिना बिल्कुल ऐसा कुछ खास किया नहीं। और आप लोग बोल रहे हो ना कि व्लॉग बोरिंग होने लग गए, ये होने लग गए, तो क्या होता है ना भाई कि देखो हम लोग कोई स्क्रिप्टेड चीज़ें नहीं बनाते हैं ना, हम लोग रियल लाइफ दिखाते हैं, हम क्या करते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कहाँ घूमते हैं, वो सारी चीज़ें उठने से लेके पूरा दिन का हम अपना शेयर करते हैं। तो कोई स्क्रिप्टेड चीज़ होती है ना, तो उसमें क्या होता है ना कि हाँ डेली कुछ ना कुछ, तो डेली लाइफ में भी यही होता है कि कई दिन ना हमें ऐसा लगता है यार आज को पूरा दिन बहुत बोर हो रहे हैं। तो चाहे जैसा भी हो मैं सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करती हूँ, तो हमारा काम है डेली लाइफ व्लॉगिंग। तो ऐसा ही होता है, कई दिन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होते हैं, कई दिन बहुत ज़्यादा बोरिंग भी होते हैं। तो व्लॉग अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिएगा।